हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। सो स्टूडेंट, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिनरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जिसका काम होता है यूरिन का स्टोरेज करना। ये एक टेम्पररी रिजर्वायर होता है, जब तक यूरिन मैच्योरेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट नहीं हो जाती तब तक ये उसका रिटेंशन करके रखता है। ठीक है, सो इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, डीपर स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ टेम्प्रेरी स्टोरेज रिजर्वायर फॉर यूरिन। ये यूरिन का टेम्प्रेरी रिजर्व करके रखता है, एक स्टोरेज रिजर्वायर होता है। इट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर एंड इलास्टिक ऑर्गन लोकेटेड द पेल्विक कैविटी। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी में, और ये मस्कुलर या इलास्टिक ऑर्गन होता है, हालो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन का स्टोरेज किया जाता है। द साइज एंड शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वेरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स। अच्छा, इसका जो यूरिनरी ब्लैडर का साइज होता है वो कोई स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक साइज नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर यूरिन कितनी है। ठीक है, यूरिन के अमाउंट के हिसाब से इसका साइज जो है वेरी करता है। सो ये अलग साइज अलग शेप ऑकर करता है, कब? जब इसके अंदर यूरिन फिल्ड होती है ये ओवल शेप फॉर्म करता है, और जब ये ब्लैडर एम्प्टी होता है तो ये पियर शेप, मतलब जैसे पियर का शेप होता है उस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो इसकी लाइनिंग कैसी होती है, मतलब इसकी ल्यूमेन के बारे में हम जानेंगे, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है। सो ल्यूमेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट द थ्री लेयर्स। ये तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है इसका ल्यूमेन। सो पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये इनर लाइनिंग होती है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ये इनर लाइनिंग होती है और ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बनी होती है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद दैट इन द यूरेटर। ये यूरेटर के साथ कॉन्टिन्यू करती है। ठीक है, वेन द ब्लैडर इज एम्प्टी द म्यूकस हैज न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड रग। ठीक है, ये रग हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं या फिर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस ब्लैडर में भी स्पेस की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो यूरिन भरती है जब इसमें, तो इसका स्पेस इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो ये रग जो हैं ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह के टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और दूसरी लेयर के बारे में अगर बात करें तो ये होती है सबम्यूकोसा। ये जो सबम्यूकोसा लेयर होती है ये फर्स्ट वाली लेयर के जस्ट नीचे होती है। सेकंड लेयर इन द वॉल इज़ द सेकंड वॉल इज़ द सबम्यूकोसा विच सपोर्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये फर्स्ट वाली लेयर को सपोर्ट करती है, म्यूकस वाली लेयर को सपोर्ट करती है। ये बनी किसकी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर। ये कंपोज्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर्स में, कुछ इलास्टिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि जब ये ब्लैडर भरता है तो इसमें इलास्टिसिटी की प्रोसेस होती है, ये खींचता है। तो ये इसकी सेल जो होती हैं इलास्टिक फाइबर से बनी होती हैं, और ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, इट फॉर्म्स अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्ट्स एज ए स्फिंक्टर और वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, जो एक मस्कुलर वॉल्व की तरह या स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। इसका इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है, यूरिन के बैक फ्लो को रोकना। कहाँ जाने से? यूरेटर से। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ रही है, और इस स्फिंक्टर का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर से वापस यूरेटर में ना जाए यूरिन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब थर्ड लेयर जो होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसका नाम होता है मस्कुलरिस। सो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। द स्मूथ मसल फाइबर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द डेट्रूसर मसल। ठीक है, जब ये स्मूथ मसल आपस में मिल जाती हैं, गुथ जाती हैं, तो इनको डेट्रूसर मसल बोलते हैं। ये डेट्रूसर मसल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, सो इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। द डेट्रूसर मसल आर आल्सो एक्ट एज ए स्फिंक्टर एट द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर। ये एक स्फिंक्टर की तरह काम करती हैं। ठीक है, देयर इज़ अ ट्राइंगुलर एरिया कॉल्ड द ट्राइगोन हैविंग ओपनिंग्स अपॉन इट। तो इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, ये खुद अनियन के जैसा दिखाई देता है, टर्निप के जैसा इसके स्ट्रक्चर होता है, बट इसके अंदर भी एक ट्राइंगुलर शेप टाइप का होता है, तीन
तिकोना टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ट्राइगोन। ये ट्राइगोन करता क्या है ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो अंदर वाली लेयर है, देखिए ये डेट्रूसर मसल की बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है यूरिन का, ये यूरेटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ओरिफाइस हैं, मतलब कुछ छिद्र टाइप के हैं जिनके थ्रू यूरिन पास होती है यूरेटर में, ओके। ये छिद्र टाइप के ओरिफाइस इनको बोलते हैं यूरेट्रिक ओरिफाइसेस। ये दो छिद्र के थ्रू यूरिन पास होती है यूरेटर में, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, लास्ट में एक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है जिसे बोल रहे हैं ब्लैडर नेक। ये नेक टाइप का होता है सो इसको ब्लैडर नेक नाम दिया गया है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था ट्राइगोन, जो एक तिकोने टाइप का या तीन एंगुलर वाला स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ पर होता है, यहाँ कहीं पर, सॉरी उल्टा बन गया है, यहाँ कहीं पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, जो यूरेटर आ रहे हैं वो इससे, इसके एक एक एस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे यूरिन इसके अंदर आती है। और जो ये लास्ट वाला एज दिखाई दे रहा है इसके थ्रू ये यूरिन को पास करता है यूरेथ्रा में, ओके। इसी तिकोने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोन। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम थ्योरेटिकली कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन थ्रू पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इस पूरे प्रोसेस को, मतलब मैच्योरेशन क्या होता है, यूरिन को पास कराना थ्रू द आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से यूरिन का एक्सर्शन होना या आउटफ्लो होना कहलाता है मैच्योरेशन, ठीक है। ये मैच्योरेशन जो प्रोसेस होती है ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें होता क्या है, जो ब्लैडर होता है इसमें, इसकी वॉल्स जो है, जब यूरिन इसमें भर जाती हैं तो इसकी वॉल जो है स्ट्रेच होती है। जब ये वॉल स्ट्रेच होती है तो इसमें कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये इस स्ट्रेचिंग वाले मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और इस इम्पल्सेस को या इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब न्यूरल स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं ये सिग्नल को रिले करते हैं। और रिले किसके थ्रू करते हैं, पैरासिंपैथेटिक एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। ये पैरासिंपैथेटिक एफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं, पेल्विक नर्व भी इनको बोलते हैं, और ये पेल्विक रीजन में पूरा यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसी रीजन में ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पेल्विक नर्व जो होती हैं, मतलब जिनका दूसरा नाम पैरासिंपैथेटिक एफरेंट न्यूरॉन था, ये क्या करती हैं, डिट्रूसर मसल जो मैंने आपको पहले बताया था, डिट्रूसर मसल इनसाइड में प्रेजेंट थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये डिट्रूसर मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का साइज दबता है, ठीक है। और यूरिन जो है एक प्रेशर के थ्रू, मैच्योरेशन के प्रोसेस के थ्रू यूरेथ्रा के साथ बाहर हो जाती है, मतलब यूरेथ्रा के सहायता से बॉडी से आउट हो जाती है। ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, मैंने आपको बताया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैच्योरेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक मेडिसिनल कंडीशन होती है इसमें जिसको बोलते हैं यूरिन रिटेंशन। रिटेंशन, यूरिन आप समझते हैं क्या चीज़ होता है, वेस्ट मटेरियल, और रिटेंशन का मतलब होता है रुकना। तो यूरिन रिटेंशन इसमें क्यों होता है, वैसे तो क्या होता है, ये टेम्परेरी रिजर्वायर है, बट कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसके थ्रू ये यूरिन रिटेंशन की प्रोसेस होती है। तो ये क्या होता है, यूरिन रिटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन आर अनेबल टू एम्प्टी ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जो ये यूरिन रिटेंशन की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो पूरी तरह से अपने ब्लैडर को खाली नहीं कर पाता है, यूरिन को पूरी तरह से बाहर नहीं कर पाता है। यूरिनरी रिटेंशन इज नॉट अ डिसीज बट अ कंडीशन दैट मे बी रिलेटेड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम। ये यूरिनरी रिटेंशन खुद में कोई डिसीज नहीं है, बट ये एक कंडीशन है जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई है, या उनके होने की वजह से ये यूरिनरी रिटेंशन की प्रोसेस होती है,
ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गई, मेंस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई या इन्फेक्शन हो गया तो ये यूरिन रिटेंशन की कंडीशन आती है, और वीमेन में जब साइटोसील की प्रॉब्लम होती है तो ये यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, यूरिन रिटेंशन भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक आप समझते होंगे, जिनके हल्के लक्षण होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट रिटेंशन, और जब ये सिम्टम सीवियर हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं क्रोनिक रिटेंशन। सो एक्यूट रिटेंशन में क्या होता है, ए सडन इनएबिलिटी टू यूरिन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूरिनेट के लिए एक इनएबिलिटी होती है, मतलब ये सेंसेशन नहीं मिल पाता है कि यूरिन अर्ज टू यूरिन होना है, ठीक है। क्रोनिक रिटेंशन में क्या होता है, ग्रेजुअल इनएबिलिटी, मतलब उसी को अगर उसका जो इनएबिलिटी हो रही है उसी के सिम्टम्स को अगर स्ट्रेंथन दे दी जाए या स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो ये क्रोनिक रिटेंशन बन जाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करके जानेंगे ये होता क्या है। एक्यूट रिटेंशन जो होता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हैपन सडनली एंड कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, ये जो है सडनली होता है और आगे चलकर अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कॉज कर सकता है। इट इज़ एन इनएबिलिटी टू यूरिनेट, मतलब यूरिनेट करने के लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए वो जनरेट नहीं हो पाती है इस एक्यूट रिटेंशन में। द अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो यूरिन को कैरी कर सके, ठीक है। पेन और स्वेलिंग होता है लोअर एब्डोमेन में, ये इसके सिम्टम होते हैं। अब क्रोनिक रिटेंशन क्या होता है, जस्ट उसी के सिम्टम को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो ये क्रोनिक रिटेंशन की कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन ऑकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉन्ग पीरियड तक अगर एक्यूट रिटेंशन बना रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक रिटेंशन में, ठीक है। द इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर व्हेन यूरिनेटिंग, जब यूरिनेट करता है पर्सन जिसको ये क्रोनिक रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरह से अपने ब्लैडर को चाह के भी खाली नहीं कर सकता है, यूरिन उसके ब्लैडर में कुछ अमाउंट उसका प्रेजेंट रह जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन स्मॉल अमाउंट, या फिर क्या होता है कि उसको बार बार यूरिनेशन का मन होता है, ठीक है। फीलिंग हार्ड टू यूरिनेट आफ्टर फिनिशिंग यूरिनेट, जब यूरिन कर लें, मतलब यूरिनेशन होने के बावजूद भी यूरिनेट होने का दोबारा से फीलिंग आती रहती है, मतलब यूरिन होने के बावजूद भी कुछ ऐसा फील होता है कि यूरिनेट होना चाहिए। लीकिंग यूरिन विदाउट एनी वार्निंग और अर्ज, ठीक है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जब जो पर्सन है वो किसी काम में अगर व्यस्त है तो उसकी यूरिन को ब्लैडर ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकता और लीक कर देता है विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है। और इसमें भी जो लेवर एब्डोमिनल वाला एरिया होता है उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट बना रहता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कॉजेस होते हैं ब्लॉकेज और नर्विंग इन द यूरेथ्रा। अगर जो यूरेथ्रा है मेन एक्सक्रीटरी साइट ऑफ यूरिन जो है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर जाती है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है या उसकी जो वेसल्स हैं वो नैरो हो गई हैं ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट की वजह से, या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर स्टोन की वजह से, तो ये यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन आती है। या फिर दूसरी इसकी क्या कंडीशन होती है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान का माइंड जो है या जो उसका नर्वस सिस्टम है प्रॉपरली काम नहीं करता है और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गन को इंडिकेशन नहीं दे पाता है, तब ये रिटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि पार्किंसन सिंड्रोम होता है, अल्जाइमर सिंड्रोम होता है जिसमें इंसान कुछ याद नहीं रख पाता है, ब्रेन इंजरी वगैरह हो गई। फिर इसके अलावा इनएफिशिएंट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वीकर ब्लैडर मसल, अगर ब्लैडर की मसल वीकर होती हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है तो भी ये यूरिनरी रिटेंशन की प्रोसेस होती है या कंडीशन आ सकती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली ड्रग थेरेपी को प्रमोट किया जाता है। सो सर्टेन मेडिसिन दैट इंटरफेयर विद नर्व सिग्नल टू ब्लैडर, जो नर्व सिग्नल को प्रमोट करती हैं, सिग्नल टू ब्लैडर यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, जो सिग्नल होते हैं ब्लैडर यूरेथ्रा और प्रोस्टेट से जो सिग्नल प्राप्त होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं ये मेडिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, कई सारी इसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट,
एंटीकोलिनर्जिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीडिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन, एंटीपार्किंसन, एंटीसाइकोटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, NSAID, सीरोटोनिन और नॉर एड्रेनलिन रिअपटेक इनहिबिटर्स। ये जितने भी टाइप्स हैं ये सभी ड्रग्स दी जा सकती हैं या सभी मेडिसिन दी जाती हैं इस यूरिन रिटेंशन की कंडीशन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।